मेरे सामने बाइक दोस्तों हीरो होंडा कंपनी की है, स्प्लेंडर बाइक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ पिकअप कॉइल के रिलेटेड बात करेंगे, पिकअप कॉइल किस तरीके से काम करता है, पिकअप कॉइल की रेंज को किस तरीके से चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, पिकअप कॉइल में कोई भी वोल्टेज उत्पन्न नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी कनेक्टिविटी लेके इसके यानी कि मुझे इसके सिग्नल को और एक तरीके से अगर बोला जाए तो इसकी रेंज को सिर्फ मल्टीमीटर से चेक किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पिकअप कॉइल और पिकअप कॉइल की टेस्टिंग, वर्किंग, आखिर पिकअप कॉइल काम कैसे करता है ये बताएंगे, फिर आपको बताते हैं कि पिकअप कॉइल की रेंज कितनी रहना चाहिए और किस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये मैंने मैग्नेट को टॉप पे कर लिया है बहुत, क्योंकि मैं आपको कम समय में दोस्तों सारी अच्छे से जानकारी देना चाहूँगा। वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज़ हम अच्छे से आपको इसमें बताते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी बाइक में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एफ का निशान रहता है, फिर टी का। तो दोस्तों टी का निशान यहाँ पे एरो से जब मिलाएंगे तो टी का निशान मेरे बाल और पिस्टन के टाइमिंग का होता है, और एफ का निशान जो होता है ये करंट के लिए होता है जो पिकअप कॉइल के सिग्नल को मानता है। तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करूंगा ताकि कभी भी आपको जरा भी प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे यहाँ के टी के निशान पे पहुँचता है और पिस्टन मेरा टॉप पे पहुँचता है तो एकदम वहाँ पे पेट्रोल जब टॉप पे जाने के बाद पहुँचता है तो वहाँ पे करंट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही फ्लाईव्हील को इस तरीके से घुमाते जैसे ही इसको जब घुमाते हैं, जब इसका रोटेशन यहाँ पे आता है तो इस तरीके से ये टीथ देख रहे हैं, ये सिग्नल देता है कहाँ पे, जैसे ही पिस्टन टॉप से चलता है दोस्तों इस तरीके से, जब ऐसे चलेगा तो यहाँ पे पिकअप कॉइल लगा होता है। तो पिकअप कॉइल लगा रहेगा, जैसे ये पोर्शन यहाँ पे आगा सीधा यानी कि सिग्नल देगा कि पिस्टन टॉप पे पहुंच गया है दोस्तों। ये पिकअप कॉइल से इसको शॉर्ट करके सीडीआई को सिग्नल मिलेगा कि पिस्टन टॉप पे पहुंच गया है, करंट को छोड़ दिए, वहां पे आग लगने की और ब्लास्ट की जरूरत है। तो दोस्तों जैसे ही मेरा पिस्टन यहाँ से टॉप से चलता है तो सीधा ये टीथ इसके पिकअप कॉइल के पास आता है, इस तरीके से लगा हुआ जो पोर्शन इस तरीके से आता है और ये सिग्नल देता है कि मेरा पिस्टन पूरी तरीके से टॉप पे पहुंच गया है, वहां पे पेट्रोल भी पहुंच गया, सिर्फ क्या है कि करंट की जरूरत है और आग लगना है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पिकअप कॉइल का इतना ही काम होता है कि यानी कि मैग्नेट के रोटेशन को लेके और यहाँ से पिस्टन को टॉप पे लेके सिर्फ ये सिग्नल देती है कि करंट को दिया जाए, पिस्टन पूरी तरीके से टॉप पे पहुंच चुका है। तो सिर्फ पिकअप कॉइल का इतना ही काम होता है। इसको क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर भी बोल सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, हम इसको पिकअप कॉइल बोलते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों पिकअप कॉइल का सिर्फ इतना काम है, जब तक ये पिकअप कॉइल यहाँ से सिग्नल नहीं देगी कि पिस्टन टॉप पे आ गया है, तब तक सीडीआई आगे बिल्कुल एसटी कॉइल को करंट नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, पिकअप कॉइल सीधा ये बताएगी कि पिस्टन पूरी तरीके से टॉप पे पहुंच गया है, अब इसकी करंट को छोड़ा जाए, और दोस्तों ये सीधा सिग्नल देती है और सीडीआई आगे करंट को एसटी कॉइल को भेज देती है, एसटी कॉइल सीधा प्लग के पास करंट को भेज देता है, उसी तरीके से करंट जनरेट होता है और पेट्रोल सही टाइमिंग की मात्रा पे आता है और गाड़ी में ब्लास्ट होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों यानी कि वर्किंग के बारे में आप पिकअप कॉइल के अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको इसकी टेस्टिंग बता देता हूं, आखिर किस तरीके से टेस्टिंग करना है। उसके लिए आपके पास मल्टीमीटर होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं मल्टीमीटर को यहां पे ले लेता हूं। मल्टीमीटर को बीप के निशान पे सेट करके रखना है जहां पे साउंड आती है। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से साउंड आती है। जैसे ही मैं इसके ग्रुप को शॉर्ट करूंगा तो इस तरीके से शॉर्ट किया चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए मीटर को यहीं पे सेट रखेंगे, इसके दोनों क्रूप को यहाँ पे होल्ड करते हैं और इसकी रेंज को चेक करते हैं। फिर मेरे पास एक कॉइल और रखा है दोस्तों, जो डीसी बाइक का है और ये एसी बाइक है। ये मेरे पास डीसी बाइक का है, इसकी पिकअप कॉइल भी टेस्टिंग में अभी आपको लाते हैं और दोस्तों दिखाते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो मैंने मल्टीमीटर के दोनों क्रूप लगा दिए, रीडिंग को देख सकते हैं 207 दोस्तों, 250 भी रहेगा जो एसी गाड़ी होगी। तो इस तरीके से मैंने होल्ड किए हैं दोनों इसके बाहर, दोस्तों थोड़ा सिंगल हैंड है थोड़ा टफ रहेगा, तो आप देख सकते हैं 207 दोस्तों, अगर 250 भी रहेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये अल्टरनेटर के करंट से स्टार्ट होती हैं, यानी कि इनके अंदर स्टार्टिंग कॉइल लगा रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ 207 के आसपास इसका रीडिंग आ रहा है, ठीक है। इतना तो पिकअप कॉइल का रेंज यानी कि एसी गाड़ी का रहेगा। चलिए मैं डीसी गाड़ी के करंट को चेक करा देता हूँ। ये मेरे पास डीसी गाड़ी की कॉइल है दोस्तों, जो इस तरीके के मैग्नेट होते हैं दोस्तों, इनकी रेंज को किस तरीके से यानी कि पिकअप कॉइल को टेस्टिंग में लाना है मैं आपको बताता हूँ। इसके क्रूप को लेना है, पिकअप कॉइल का एक वायर नीले पे पीली पट्टी रहता है, इसका होल्ड करेंगे। मैंने टेस्टिंग लैम्प यानी कि मल्टीमीटर का एक क्रूप पिकअप कॉइल के उसमें लगा दिया है, चाहूंगा एक वायर को कहीं भी ग्राउंड दे दूंगा
तुरंत यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। तो कितना आया 120 119। जी हाँ दोस्तों, जो डीसी गाड़ी रहेंगी, जो दो तार होते हैं जिनके लाख में, तो 119 चाहे वो आपकी यानी के कुछ में यानी के 100 से कम नहीं होना चाहिए, और डीसी बाइक में 200 से वोल्टेज ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 150 भी चलेगा, 130 भी चल जाएगा, और 120 इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कौन सी बाइक में, जो इस तरीके की कॉइल रहती है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से रीडिंग लेना है। तो सेम 119 आ रही है, क्वाल एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों सारे मैकेनिज्म को मैंने अच्छे से समझाया, तो सिर्फ पिकअप कॉइल का काम इतना होता है कि पिस्टन टॉप पे है, आप करंट वहां पे भेजिए, ये सीधा CDI को सिग्नल देता है, CDI इसका आगे लीड कॉइल को देता है, लीड कॉइल सीधा स्पार्क प्लग पर दे देता है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले।